जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसर पीपल, और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम जनरल ओवरऑल बात कर लेते हैं सबके लिए जो भी इस टाइम देख रहे हैं। सो फॉर ऑल द कैंसर पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप यू आर फाइटिंग विद समथिंग। आई डोंट नो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, पर मुझे इस हफ्ते लाइक कुछ दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि कुछ है, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके, और आप क्रॉस रोड्स पे हैं क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर आपकी विशेस टिकी हुई हैं और आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किस चीज़ के बारे में है। हो सकता है कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कई लोग अपने लाइक अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके, चाहे वो उनका करियर है, चाहे कुछ भी है, चाहे हेल्थ है, वट एवर दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स किसी चीज़ को लेके। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे कुछ भी है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, ऑल दो मे बी हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ पुराने मोमेंट्स, कोई नॉस्टैल्जिया, कुछ पुरानी यादों को कोई याद कर रहा हो। लेकिन क्योंकि लाइक डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग में एक चीज़ है, एक घूम रही है बात, क्या करें, कन्फ्लिक्टेड माइंड लग रहा है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो घर में किसी के साथ, या हो सकता है कहीं ऑफिस में, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट आप कोशिश कर रहे हैं आप लाइक होल्ड ऑन करने की। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस को होल्ड ऑन कर रहे हैं। सो या ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, फॉर ऑल द कैंसर पीपल। देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कैंसर पीपल, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मे बी हो सकता है कि अपने आप को वो गार्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और किसी अच्छी, आई थिंक वो टाइम ले रहे थे, या हो सकता है कि अभी भी कोई टाइम ले रहा है यहाँ पे, या आप भी हो सकता है कि आप भी चुप हो और आप भी ज़्यादा बोल ना रहे हो, साइलेंट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में साइलेंस पीरियड चल रहा है, कोई यहाँ टाइम ले रहा है। और हो सकता है ये जो पर्सन है ये लाइक आपकी तरफ शायद आना चाहते हो, और पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ हो। आई थिंक लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ बात, कोई डिफेंसिव मोड में है। ये मुझे आप भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप भी डिफेंसिव मोड में हो, हो सकता है ये पर्सन भी डिफेंसिव मोड में है, राइट। और ये अभी आपकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि सम व्हाट आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई यहाँ पे टाइम भी ले रहा है, कोई यहाँ पे सोच भी रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। सो ये रिलेशनशिप है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कोई गार्ड कर रहा था अपने आप को, कोई प्रोटेक्ट कर रहा था। सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी हो गई थी। यस, उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, राइट। और वो चाहते हैं, कैंसर पीपल, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ऑल दो उनको ये लगता है कि आप थोड़े स्टबन हैं, या यूँ कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि यस आप, शायद हो सकता है कि आप भी हर्ट हैं। ये जानते हैं, वो ये रियलाइज़ करते हैं, एंड वो उनको ये लगता है कि आप थोड़े से स्टबन हैं और टाइम ले रहे हैं। और आप लोगों में दोनों में ही मुझे ऐसा लग रहा है बातें ख़त्म हो गई थी, एंड हो गई थी चीज़ें, लाइक परी हो गई थी, राइट। और कुछ
था ऐसा, बट स्टिल ये जो पर्सन है मिस करते हैं आपको, आपको याद करते हैं एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. मे बी हो सकता है फेलो वाटर साइन और अ फायर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं. सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में स्मूथ हो जाएँ, सॉर्ट आउट हो जाएँ. जो भी चीज़ें हैं वट एवर, चाहे आप फ्रेंड्स की तरह रहे, चाहे आप जैसे मर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है. अगैन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ टाइम ले रहा है, शायद आप हो या सकें, बरी हो चुकी हैं इमोशंस, लाइक एंड हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन कोई यहाँ इमोशंस अपने होल्ड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है विद नाइन ऑफ कप्स. और क्योंकि क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा. अगेन मैं यही कहूँगी, या आप हैं या आपके पर्सन है, कोई है यहाँ पे, किसी को समझ नहीं आ रहा. लॉट ऑफ 999. सो कोई चेंज चाहता है, कोई चाहता है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जैसे कहते हैं ना 999, ऑलमोस्ट आप लोगों के बीच में चीज़ें लाइक चेंज होने वाली हैं, या कोई वेट कर रहा है और बस कोई सोचता है कि क्या करें. लाइक अगेन मैं ये कहूँगी डू एंड डाई वाली सिचुएशन, क्या करें, इधर जाएं कि इधर जाएं. मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके मन में भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हो और आप भी उनको, उनके बारे में सोचते हो, और ये सिचुएशन ऐसी बन रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है और उनको ये लगता हो कि यस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो. सो ये चीज़ें भी हो, या आपको ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ में कोई और ना हो. सो मे बी कोई यहाँ टाइम ले रहा है. लेट्स टॉक अबाउट योर करियर, आपके करियर के बारे में बात करते हैं. फॉर ऑल द कैंसर पीपल, कैसा रहेगा आपका करियर? मुझे ऐसा लगता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, बट आप थोड़ा सा स्टक है, या मे बी हो सकता है कि कोई है न्यू अपॉर्चुनिटी, आप वेट कर रहे हैं या है इन हैंड, लेकिन आप स्टक महसूस कर रहे हैं. लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही आप इसमें से निकल जाएंगे एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग कंटेंट. यस, आप, आई डोंट नो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है. जगल कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. यस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है एंड वो आपको आगे लेके जाएगी, आप हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे अपनी, अगर आपकी जॉब या जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, वट एवर, सो उसमें आप हैप्पी फील करेंगे. मतलब जल्द ही कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो आपको हैप्पी कर देगा, मुझे ऐसा लगता है. या किसी के साथ कुछ मिलके करें, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ कुछ ऐसा करें जो आपको आगे चल के लाइक कुछ अच्छा बिल्डअप करें. सो दैट आप कंटेंट फील करेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है. और यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, और ट्रैवल इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर यू. जो भी कैंसर पीपल हैं, कुछ स्टक है यहाँ पे, कुछ देर है, कुछ एनर्जी है जो मुझे स्टक लग रही है, बट हो सकता है आप उसमें से जल्दी निकल जाएं और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आए, ये चीज़ें हो सकती हैं. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द कैंसर पीपल, क्या गाइडेंस है? ओके, यस, टू ऑफ सोर्ड्स. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, अगेन फिर हमारे पास वही चीज़ें हैं. टू ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया, इसका क्या मतलब है? बादल छाए हुए हैं दिमाग पे, कुछ समझ नहीं आ रहा. मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, मे बी हो सकता है कि आप दो कश्तियों में सवार हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने एक पैर इधर एक पैर इधर. सो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डिसीजन तो लेना होगा और एक चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा, राइट? अगर आप ये सोच के चलते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. देन वी हैव सेलिब्रेशन. आप जो भी डिसीजन लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है लाइक वो वक्त आ गया है, लाइक यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, बट
आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है, लाइक अ रीयूनियन या मे बी अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन. कुछ के लिए हो सकता है ये मैरिज है, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग. आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पास्ट में हो, चाहे कुछ भी है, एक्स वाई जेड आप कुछ डील कर रहे हैं. सो कुछ ना कुछ तो लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है. और चाहे आप करियर वाइज भी अगर हम बात करें, तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लाइक जैसे कहते हैं ना, हमको जब आगे बढ़ना है हम बेबी स्टेप्स लेते हैं और बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं. तो अगर हमको आगे अचीव करना है तो हमें कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं. ये रूल है, राइट? सो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं. सो यही सोच के आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, और जो होगा आपके लिए अच्छा होगा. मुझे ऐसा लग रहा है, येस, एडवेंचर बिगिंस फॉर यू. सो मे बी आप शायद बिलीव नहीं कर पा रहे, शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उस लाइट को देखिए. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, देयर इज़ समथिंग फॉर यू, फॉर ऑल द कैंसर पीपल. आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या आप दो चीज़ों में आप, जैसे कहते हैं दो कश्तियों में हम सवार नहीं हो सकते एक ही टाइम पे. सो ये चीज़ हो सकता है आपके लिए. सो आपका डिसीजन हो सकता है आपको आगे लेके जाए, और कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ हैपनिंग हो आपकी लाइफ में. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.